हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है खास और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कलिप गोरिल्ला पॉड के बारे में। अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत दिन पहले इस चैनल में आ चुकी है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक साल से ज्यादा हो गया मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से कैसा है मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपके सारे कमेंट्स का जवाब इस वीडियो में मिल सके। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बॉक्स के अंदर से आपको ये गोरिल्ला पॉड मिलता है और ये ब्रैकेट होल्डर मिलता है जिसके सारे आप अपने फोन को या फिर अपने छोटे छोटे कैमरास को इसके ऊपर स्टैंड करा सको। सबसे पहले बात करते हैं गोरिल्ला पॉड के बारे में। स्पेशली अगर बात करें तो ये मोबाइल के लिए DSLR कैमरा वगैरह इसमें स्टैंड नहीं होगी, इसके वेट संभाल नहीं पाएगी, तो DSLR में इसको ट्राई मत करना। अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हो, मोबाइल से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, इसे ब्लॉगिंग वगैरह मोबाइल से करते हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। स्पेशली अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। अगर बात करें ये ब्रैकेट इसका अलग हो जाता है तो इसको आपको पुश करके आप लगाना पड़ेगा। इसके नीचे एक नॉट दिया गया जिसके सहारे आपके ब्रैकेट टाइट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पुश कर देता हूँ, इसको मैं इस एंगल से पुश कर देता हूँ। ये बटन दिया गया आप देख सकते हो, इस एंगल से पुश कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये लॉक हो चुका है और ये हिस्सा आप कहीं पे भी बैठा सकते हो, सीधा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक खराब नहीं हुआ है। ब्रैकेट होल्डर के बारे में, इसके बारे में मैंने बताया आपको। ब्रैकेट होल्डर के बारे में अगर बात करें, स्प्रिंग अभी भी टाइट है, एक साल से ज़्यादा हो गया मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे दो माउंट होल्डर दिया है, यहाँ पे भी आप इसको टाइट कर सकते हो और इस तरफ से भी, ताकि आप दोनों तरफ से इस वीडियो को शूट कर सको मोबाइल बहुत वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये रहेगा ब्रैकेट होल्डर और ये रहा मार्कलिप गोरिल्ला पॉड। बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है, मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। मैंने जब इसको परचेस किया था एक साल से पहले, मुझे पड़ा था 359 रुपीज, ठीक है। ध्यान से रख लो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कोई बोलता है 700 हो गया, कोई बोलता है 600 हो गया, कोई बोलता है 500 हो गया, 400। तो प्राइस डिफर करते हैं, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट का सेम प्राइस नहीं रहता। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई आपने तो बताया 360 रुपये लेकिन 700 का आ रहा है। भाई देखो, लॉकडाउन के वजह से प्राइस अप एंड डाउन हो रहे थे, जब भी फेस्टिवल सीजन आता है जैसे ही ऑफर्स आते हैं तो प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कब परचेस करो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने इसको 360 रुपये में परचेस किया था, ये ट्रूथ है। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू यूज, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक माउंट होल्डर दिया गया आप देख सकते हो, तो इसके सहारे मैं इसको टाइट कर दूंगा, स्क्रू दिया गया। तो जैसे ही आपका टाइट हो जाए, देखो आप कंप्लीटली पूरा टाइट हो गया है, जैसे ही आपका टाइट हो जाए स्पेशली आप मोबाइल बैठा सकते हो। देखो मैं ब्रैकेट को यहाँ से खींचूंगा और अपने मोबाइल को माउंट करूंगा, ठीक है। तो मोबाइल को ऐसे मैंने पुश किया और ऊपर की तरफ दिया और ये देखो मेरा मोबाइल पूरा सेट हो चुका है, आप देख सकते हो, हिलने वाला नहीं है, गिरने वाला भी नहीं है। जैसे मैं देखो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये मोबाइल नहीं गिर रहा, मतलब फुल्ली स्टेबिलाइज्ड है। अगर बात करें तो आप यहाँ पे माइक भी बैठा सकते हो, इसके ऊपर माइक बैठा के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली मैं ब्लॉगिंग के टाइम में माइक यूज नहीं करता, मैं मोबाइल के माइक से ले लेता हूँ। और जब भी आप ब्लॉग शूट करो तो आप ऐसे शूट कर सकते हो। देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ, हाथ को पूरा बेंड कर देता हूँ और बॉडी से इतना दूर लेके जाता हूँ ताकि मेरा बॉडी सही तरीके से आ सके, और इसी हिसाब से मैं वीडियो शूट करता हूँ। और फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ब्लॉगिंग में तो मैं फ्रंट कैमरा से बोलता हूँ, जब भी मैं कोई आउटडोर शूट दिखाता हूँ, फुटेज वगैरह दिखाता हूँ, तो मैं बैक कैमरा से सबको बोल देता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू यूज में आपको पता चल गया होगा आपको कैसे इस्तेमाल करना। आप कहीं पर भी इसको लटका सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो, इसको लटका के स्टैंड करा के फिर अब हैंगिंग करके भी वीडियो बना सकते हो। गिरने वाला नहीं है, ठीक है, फुल्ली मेरा गारंटी है गिरने वाला नहीं है। ब्रैकेट इतना मजबूत है कि आप फोन देखो, मैं इतने जोर से हिला रहा हूँ फिर भी ये फोन नहीं गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से हाउ टू यूज में ये बेस्ट 5-स्टार रेटिंग में इसको दूंगा, क्योंकि इसके जैसे ब्रैकेट होल्डर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप देख सकते हो आपके सामने डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू यूज में ये बेस्ट होने वाला है, मेरा गारंटी है मोबाइल फोन के साथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब इसको परचेस करना चाहिए फिर नहीं और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं इसको एक साल से ज़्यादा हो गया इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने हैदराबाद में भी गया था, चारमीनार वगैरह में गया था, इसी मार्कलिप गोरिल्ला पॉड के सारे मैंने ब्लॉग शूट किया, ठीक है। मेरे चैनल में जितने भी ब्लॉग वीडियो आप देखोगे मार्कलिप गोरिल्ला ट्राइपॉड से ही शूट होते हैं, 3-4 वीडियो आप देख सकते हो अलग अलग शूट होंगे, लेकिन मार्कलिप गोरिल्ला ट्राइपॉड से मैं ज़्यादातर वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ। ब्लॉगिंग में मैं कैमरा इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी DSLR इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिंपली मोबाइल को ऐसे माउंट करता हूँ और शूट करता हूँ। मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है और मेरी जो जैसे कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ स्टेबिलाइज फुटेज आ जाते हैं, हाथ में भी अनस्टेबिलाइज नहीं होते हैं, फुल्ली स्टेबिलाइज होते हैं। जैसे मैं शूट करता हूँ ना, बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की वीडियोज मुझे मार्कलिप गोरिल्ला पॉड से मिल जाती है। इसी वजह से DSLR की जरूरत पड़ी नहीं, तो DSLR किस लिए इस्तेमाल करूँ। मोबाइल फोन को अपने मार्कलिप गोरिल्ला पॉड में लगाया और ब्लॉग शूट किया,
बेस्ट वीडियोस भी मेरी बनती है, आप मेरे ब्लॉग वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको सारे सवाल के जवाब मिल चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो भी बना देते हैं। एक साल से ज्यादा हो गया मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं, उस हिसाब से आप परचेस करना सही या गलत मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर वो भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए सोच रहा है तो इस वीडियो से उसको कोई मदद मिले। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे डेली वीडियोस आप डेली नोटिफिकेशन के द्वारा देख सको। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद। Oh, 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 oh